दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद इसका ग्रोथ अच्छा निकल आया लाया है, अब हेल्दी ग्रोथ है। और यही वक्त है दोस्तों कि हम इसका ट्रिमिंग कर देंगे और इसका ग्रोथ थोड़ा फास्ट हुआ है। तो सचिन कुमार जी ने पूछा था कि दोस्तों ऐसे स्पीशीज या बोनसाई मटेरियल सजेस्ट कीजिए जो कि फास्ट ग्रोइंग हो। दोस्तों तो प्लांट दोस्तों वैसे तो सभी ग्रो करते हैं, इसमें फास्ट ग्रोइंग जैसा कुछ होता नहीं ऐसा मेरा मानना है, फिर भी कुछ ज़्यादा ही फास्ट ग्रो करते हैं। बट दोस्तों सोइल मीडिया सही हो और आपने अगर ग्राउंड में रख दिया प्लांट को तो वो बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा, चाहे कौन सा भी प्लांट हो दोस्तों। और कुछ जिद्दी प्लांट होते हैं, यानी शो ग्रोइंग ऐसे पौधों को कहा जा सकता है जो डोरमसी में जाते हो, यानी विंटर में ग्रोथ नहीं करते, विंटर में इसे स्टेबल पड़े रहते हैं, पत्ते निकल जाते हैं। ऐसे प्लांट है कुछ जैसे कि चिलविल है, तो वो थोड़ा ग्रोथ रोक देता है उस समय। बोगनवेलिया भी थोड़ी स्लो ग्रोइंग कह सकते हैं, मगर उसको अपने ग्राउंड में कर दिया तो फिर वो फास्ट ग्रोइंग हो जाएगी। तो इसे कह नहीं सकते कि वो स्लो ग्रोइंग है। ये फाइकस भी दोस्तों आपने उसको ग्राउंड में ट्रेन किया तो फिर वो भाग निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो सोइल मीडिया पे है सब कुछ, आप कैसे ट्रीट करते हैं प्लांट को उस पर ग्रोथ डिपेंड करता है। कुछ प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं सेम स्पीसीज के, कुछ नहीं भी कर सकते, ऐसा हो सकता है। तो वो होता है दोस्तों आप कैसे केयर करते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से आप ग्रो करवा सकते हैं प्लांट का, नहीं तो वैसे ही पड़े रहेंगे बरसों तक। जैसे कि सबके साथ होता है, किसी ने बरगद लगा दिया है तो फिर वो ऐसे ही लगा रहेगा कुछ साल और, इतना ही, बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसने अगर सोइल मिक्स में अगर ध्यान ना दिया तो फिर ये सब बातें हैं कि आप कैसे, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में प्लांट को ग्रो करने का। तो आप बड़ा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मैं तो नहीं सजेस्ट करता कि ये फास्ट ग्रोइंग है स्लो ग्रोइंग है। उससे अच्छा ये है कि बिगिनर्स के लिए कौन से प्लांट अच्छे रहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए बोधी ट्री है, ये पीपली है, मगर पीपल मत लगाइए अगर आप बोनसाई बिगिनर है तो, वो स्लो ग्रोइंग हो जाएगा आपके लिए। ये बरगद भी बहुत ही स्लो ग्रोइंग कहा जा सकता है अगर आपने ढंग का सोइल मिक्स इस्तेमाल ना किया तो दोस्तों। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं, बस आपके पास कुछ स्पेस होनी चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ मैं वायरिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, उसको हम थोड़ा सा नीचे भी रखें तो अच्छा हो सकता है। कब से मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि ये ओम की तरह कुछ लगने लगा है, बट वो तो दूर की कौड़ी है, अगर अच्छा हुआ तो देखते हैं। कुछ ठीक तो नहीं बैठ रहा पर ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरे वीडियो के लिए, बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।